श्री संत गुरु रविदास जन्मोत्सव समिति उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आवास विकास स्थित बुद्धि विहार में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में रविदास जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर चर्चा की गई, उसको किस प्रकार से भव्य रूप दिया जाना चाहिए, इस बात को लेकर बैठक में मौजूद लोगों ने अपने अपने विचार रखे। श्री संत गुरु रविदास जन्मोत्सव समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्याम सिंह रवि बिजनौर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष डिम्पल सागर, प्रदेश महामंत्री ब्रजमोहन सिंह रवि, प्रदेश कोषाध्यक्ष मक्खन सिंह समेत समिति के अन्य पदाधिकारी गण मौजूद रहे। उन्होंने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निकलने वाली 5 फरवरी को रविदास जन्मोत्सव के उपलक्ष में शोभा यात्रा को किस प्रकार से भरपूर रूप देना चाहिए, इस प्रकार को लेकर अपने अपने विचार रखे। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि शोभा यात्रा राजकीय इंटर कॉलेज से शुरू होकर मंडी चौक, पान का दरीबा, चौमुख का पुल, गंज गुरहट्टी, ताड़ीखाना होते हुए नगर निगम टाउन हॉल पर पहुंचकर एक सभा में तब्दील होगी, जिसमें संत रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा। इनका परिचय दीजिए। मैं श्री श्याम सिंह रवि पूर्व सांसद हूं, बिजनौर लोकसभा से 1999 से 2004 तक मैं लोकसभा सदस्य रहा हूं बिजनौर लोकसभा से, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत के प्रधानमंत्री थे और वो जो है बहुत बड़े जननायक थे, मैं उनके साथ विदेश यात्राएं भी की हैं और मुझे उनका बड़ा प्यार और आशीर्वाद प्राप्त था। और मैं इस समय संत श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ और संत श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव समिति उत्तर प्रदेश और श्री विश्व गुरु रविदास या धर्म संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ बेगमपुरा मार्ग का। तो इस प्रकार से 5 फरवरी को पूरे देश में संत श्रोमणि भगवान श्री गुरु रविदास जी का जन्मदिन 646वां मनाने का लक्ष्य जो है आज इकट्ठे हुए हैं, जो अपनी शोभा यात्रा 5 फरवरी को 2 बजे राजकीय इंटर कॉलेज से होकर और मंडी चौक, अमरोहा गेट, कोतवाली शहर, बाजार गंज, गुरहट्टी चौराहा, ताड़ी खाना, गुलजारीमल धर्मशाला से होकर नगर निगम टाउन हॉल में पहुंचकर जनसभा में परिवर्तित हो जाएगी। और वहां पर जो कार्यकर्ता और जो सम्मानित व्यक्ति अपने विचार रखेंगे और वहां जो बच्चे श्री गुरु रविदास जी के जीवन पर अपना विचार रखेंगे उनको जो है वो किया जाएगा कि उन्हें इनाम दिया जाएगा, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। और अपने महानगर के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सागर जी के द्वारा शोभा यात्रा को बीच में कई जगह जलपान कराया जाएगा शोभा यात्रा के सभी सम्मानित लोगों को और कलाकारों को। तो ये शोभा यात्रा का कार्यक्रम जो है संत श्रोमणि भगवान श्री रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूँ राज में मिले समन को अन्न, छोट बड़न सब सम बसें, रविदास रहें प्रसन्न। दूसरे संत श्रोमणि भगवान श्री रविदास जी ने आज से 600 वर्ष पहले देश की आज़ादी की लड़ाई का विगुल बजाया था और उन्होंने कहा था अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, पराधीनता पाप है। क्या नाम है आपका? जन्मोत्सव समिति आदरणीय हमारे इब्राहिम रवि जी, जिनकी अध्यक्षता में आज यहाँ बैठक हुई, उसमें श्री रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया और इसी विषय में उस दिन 5 फरवरी को विशाल भंडारे का आयोजन करा गया नगर निगम पर। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक भंडारा पर्व की इच्छा तक चलता रहेगा और चने हलवों का प्रसाद का वितरण भी है, खीर का वितरण भी है। और हम हर समाज के हर तबके से कहते हैं कि हमारे समाज के लोग निकल कर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचें। हमारा सबको ये संदेश है, आप रविदास जन्मोत्सव समिति पर बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाएं और सभी भक्तों से ये प्रार्थना है कि ज्यादा संख्या में गवर्नमेंट कॉलेज पहुँचे। ठीक।